भाजपा को वोट दूंगी। भाजपा से उम्मीदवार नहीं होगा यहाँ? नहीं होगा, नहीं दूंगी। नोटा एकदम बिल्कुल नोटा करूंगी, क्योंकि मैं संतोष कुशवाहा को नहीं मिलेगा, नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उम्मीदवार बदलने की जरूरत है यहाँ? हाँ जी बिल्कुल बदलने की जरूरत है, उम्मीदवार बदलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्या एकदम चाहिए। संतोष कुशवाहा नहीं चलेगा? न, कभी हम लोग को नजर भी नहीं आता है। खाली 2 साल से जदयू को सीट दे रखे हैं पूर्णिया की, जदयू के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तो इस बार हमारी मांग है कि बीजेपी का भी एक बार मौका दिया जाए। इस बार संतोष कुशवाहा जी चलेंगे? नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। तो क्या किए, उनका टिकट काट लिया जाए? आप काट लीजिए, जो कर रखे आप लोग, अगर बोलिएगा कि वोट देंगे तब उनको टिकट मिलेगा। वोट तो नहीं देंगे हम लोग। संतोष कुशवाहा जी बीजेपी की सरकार लेके ही जीती है, और हम लोग बहुत उम्मीद से उनको जिताए थे, लेकिन वो उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। मंदिर बनने से विकास हुआ ना, पूरा देश खुश है। विकास की बात नहीं है, विकास नहीं है ये, विकास की बात विकास तब कीजिए जब हम। पूर्णिया का लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम कुछ महिलाओं के बीच हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मरतबा जो जनता का रुझान है वो किस तरह का है, जनता क्या सोचती है। और कई नेता मैदान में हैं और कई लोगों के आने की चर्चा भी है, तमाम लोगों के बारे में इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम सबसे पहले हम आपसे जानना चाह रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा है, पूर्णिया में काफ़ी चर्चा है, पहले से तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है, अब लगता है कि यहाँ बीजेपी चुनाव लड़ पाएगी? देखिए बीजेपी चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी ये तो केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है, प्रदेश नेतृत्व पर निर्भर करता है। अभी बात चल रही है और इतनी जल्दी हम तय नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी या जदयू चुनाव लड़ेगी, ये सब कुछ अभी देखते हैं, समय है, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करें। तो अभी क्या दोनों अलग अलग एक ही है? दोनों एक ही है, लेकिन अगर साथ में आए हैं तो कुछ तो सोच समझ के आए होंगे। तो आप ये कहिए ना कि बीजेपी लड़े या जदयू लड़े, दोनों एक ही है? एक ही है, तो मान लीजिए 2 साल से जदयू को सीट दे रखे हैं पूर्णिया की, जदयू के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तो इस बार हमारी मांग है कि बीजेपी का भी एक बार मौका दिया जाए पूर्णिया लोकसभा से। बीजेपी से तो आप लोग पहले से रहे हैं, 2 बार पप्पू सिंह यहाँ से 2 बार बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, पहले रह चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में अभी जो 2 टर्म से हो रहा है तो क्या किसी को नहीं चाहिए? सभी जनता का भी मांग है और हम लोगों की मांग है थोड़ी बदलाव। ये बताइए कि ठीक है आप लोगों की मांग है, आप बीजेपी से हैं तो आपकी मांग आपके हिसाब से जायज हो सकता है, लेकिन ये बात बताइए अगर जदयू का ही उम्मीदवार हो तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है, अगर जदयू का उम्मीदवार है अगर पूर्णिया के विकास के लिए सोचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो गठबंधन है अभी आपका एनडीए की सरकार है और जो केंद्रीय नेतृत्व के तय करती है कि अगर जदयू का ही उम्मीदवार होगा जदयू का ही होगा तो सर्वमान्य है। नहीं आपने एक बात कही अभी कि अगर पूर्णिया की विकास के लिए सोचे तो जदयू भी ठीक है, 10 वर्षों से विकास के बारे में नहीं सोचा है पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा? अगर सोचा होता तो शायद ये कहना ना पड़ता। संतोष कुशवाहा ने विकास के बारे में कुछ नहीं सोचा? विकास वैसा नहीं हुआ है पूर्णिया का जो होना चाहिए। आज हमारी मांगे, आज साल भर से 1 साल से हमने क्या नहीं किया पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए, क्या हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी कहा था कि हाँ ठीक है हम एयरपोर्ट के लिए मुद्दे पर बात करेंगे। आज भागलपुर को एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, आपके पूर्णिया में एयरपोर्ट क्यों नहीं हो रहा, आपके पूर्णिया में रेल का क्यों नहीं हो रहा, क्या कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि की कमजोरी है जिसके कारण से नहीं आप पूर्णिया का विकास करवा पा रहे हैं? आप लोग कभी मिले उनसे? बिल्कुल मिले हैं। क्या बताया? बिल्कुल मिले हैं, हम लोगों ने धरना भी दिया, हम लोगों ने पैदल मार्च भी किया, हम लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला, हम सभी महिलाओं ने भी मिलकर कैंडल मार्च निकाला। सांसद जी से जब मिले, सांसद जी ने आश्वासन दिया था कि इस बात को सदन में रखेंगे, लेकिन जब सदन में रखेंगे तो हमारे जनप्रतिनिधि को किसी भी चीज के लिए पूर्णिया का विकास के लिए जो मांग करना चाहिए जो लाना चाहिए अगर वो ला नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो विफल हो रहे हैं। तो जब विफल हो रहे हैं तो फिर वोट उन्हीं को, अगर टिकट मिल जाता तो वोट उन्हीं को दीजिएगा? देखिए टिकट सबसे पहले हम भी यही बात कह रहे हैं कि अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व कहती है, नहीं यहाँ देखिए चूंकि केंद्रीय नेतृत्व अगर ये कहे कि अपने घर में आप अपने घर को गुड़ गोबर कर लीजिए, नहीं तो ये कर लेंगे। देखिए ये तो जनता तय करेगी, ये तो जनता, आप जनता नहीं है? जनता है बिल्कुल है, ये जनता तय करेगी। अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल है मेरा अधिकार। तो क्या करेंगी आप? मैं भाजपा को वोट दूंगी। भाजपा से उम्मीदवार नहीं होगा यहाँ? नहीं होगा, नहीं दूंगी। नोटा एकदम बिल्कुल नोटा करूंगी, क्योंकि मैं संतोष कुशवाहा को नहीं मिलेगा, नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आज पूर्णिया के एयरपोर्ट के मुद्दे के लिए संसद में रखा गया, इतनी बार हम लोग बात रख रहे हैं, इस बात को मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा है, क्यों नहीं उठाया जा रहा है? जब भी कोई मिलने के लिए कोई काम के लिए आते हैं वो आश्वासन देते हैं ठीक है मैं बात करेंगे, हो गया। आपकी जैसी कितनी महिलाएं हैं जो इस तरह से आक्रोशित है? आक्रोशित अब ये तो अभी आपके सामने भी कुछ महिलाएं हैं वो बता पाएंगी कि क्या है नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्सनली है
जो मैं देखती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, इस हिसाब से तो मैं देख रही हूँ। जब आप आंदोलन कर रही थी एयरपोर्ट के लिए, तो आपके साथ तो कई महिलाएं भी थी। हाँ बिल्कुल थी। तो सब में गुस्सा होगा। बिल्कुल होगा गुस्सा कि ठीक है, लेकिन ये चीज का हम लोगों को ने हमेशा सोचा था कि चलो हमारे जनप्रतिनिधि आश्वासन दे रहे हैं तो वो जरूर न कहीं सरकार तक अपनी बात को पहुँचाएंगे और उस चीज को ला के रखें। जिस समय आज ठीक है, आज एनडीए की सरकार है, कल नीतीश कुमार के साथ जब उनकी थी, जब जमीन का अधिग्रहण मामला हुआ तो वो गलत अधिग्रहण मामला हो के फिर इस चीज को अदर में लटकाने की जरूरत क्या था? क्या हमारे माननीय सांसद महोदय इतना नहीं कर पाए कि उस जमीन के अधिग्रहण को ठीक करके फिर से उसको यहाँ एयरपोर्ट के लिए लागू करवा सके? बीजेपी में किस पोस्ट पे हैं आप? जी अभी मैं वर्किंग कमेटी में हूँ। वर्किंग कमेटी में हैं और किसी पोस्ट पे आप उपाध्यक्ष शायद रहे भी हैं? हाँ पूर्व में जिला मंत्री रह चुके हैं। जिला मंत्री रह चुके हैं और इसके बावजूद आप कह रही हैं कि संतोष कुशवाहा को अगर टिकट मिला तो आप वोट नहीं देंगी और आपके जैसे दर्जनों महिलाएं हैं जो वोट नहीं देंगे, आपने खुले तौर पे भी कहा। देखिए दर्जनों महिलाएं का क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन अपना पर्सनल, लेकिन ये मेरा पर्सनल विचार है कि जो मांग हम लोग उनसे रखते हैं वो अगर पूरा नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे में आक्रोश है। तो वोट नहीं करेंगी आप? बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। कोई बात नहीं, मैसेज जा रहा है तो जो बात है सो है। पार्टी के लोग बोलेंगे नहीं वोट देना है? पार्टी के लोग, देखिए पार्टी के लोग ये कह सकते हैं कि आप वोट दिलवाए, हम क्या करेंगे, मेरा क्या करेगा? सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल से होने लोग ये कहेगा ना कि जब आप खुद अपना वोट नहीं दे रहे हैं तो दूसरा आपके कहने पे क्यों देगा? राजनीतिक दल के किसी भी होने से पहले मैं एक पूर्णिया वासी हूँ और सबसे पहले मैं पूर्णिया के विकास के ऊपर बात करूंगी कि अगर पूर्णिया का विकास जो भी मुद्दा है उस पे अगर जो खड़े उतरते हैं मैं उनके लिए वोट देने के लिए तैयार। संतोष कुशवाहा खड़े नहीं उतरे आपकी मदद? अभी तक तो नहीं उतरे, अगर आगे इस तरह का अगर करके दिखा दे, अभी भी चुनाव में इसका समय है। मतलब ये हुआ कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको समझने की जरूरत है और यहाँ आपके हिसाब से उम्मीदवार बदलने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, तभी बिल्कुल जरूरत है। क्या बताइए, उम्मीदवार बदलने की जरूरत है यहाँ? हाँ जी बिल्कुल बदलने की जरूरत है। उम्मीदवार बदलना चाहिए? हाँ बिल्कुल। क्या? हाँ एकदम चाहिए। संतोष कुशवाहा नहीं चलेगा? ना, कभी हम लोग को नजर भी नहीं आता है। अच्छा उनको काम करने आता है संतोष कुशवाहा जी को? हम लोग देखबे नहीं किए कि संतोष कुशवाहा कौन है, तो हम लोग को कैसे बताएं कि काम करने के लिए आता है कि नहीं आता है? अच्छा आप देखबे नहीं किए हैं? नहीं। अगर आप उनको नहीं देखते हैं तो कभी दर्शन नहीं होता है उनको। जिस तरह से अभी महिलाएं बता रही हैं कि कोई काम नहीं हुआ, धरना प्रदर्शन आंदोलन भी हुआ, इसके बावजूद भी बातें नहीं सुनी गई, तो क्या लगता है संतोष कुशवाहा जी सांसद के लायक हैं? नहीं है। नहीं है? नहीं है। तो इस बार तब तो आप लोग सब नहीं देंगे? नहीं देंगे। उनको वोट नहीं देना? नहीं। उनके जगह कोई और आएगा तो? देखिए वोट तो मेरा है, मन है अपना कि किसको देना है, किसी का दबाव नहीं है कि हाँ उसी को देना है, वोट तो अपना लेकिन है। लेकिन जिस तरह से बातें हो रही है आप लोग, लग रहा है कि आप लोग काफी नाराज हैं। एकदम नाराज हैं, कभी तो दर्शन भी नहीं आता है कि संतोष कुशवाहा की हाँ पूर्णिया है, ततमा टोली है या शंकर चौक है, कोई जाके देखे? कहीं कोई नहीं जाता। वो तो कहते हैं हम गरीबों का नेता है। कहाँ कोई नेता ना, हम लोग चिन भी नहीं करते, चिन वो नहीं करते। देखे हैं, नहीं चिन, गलत नहीं बोली, झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं मैं झूठ सुनूंगी। ऐसा कभी सुने हैं कि सांसद संतोष कुशवाहा जी ने ये काम किया उनके कारण ऐसा काम हुआ? बात सुने थे लेकिन हम लोग नहीं देखे। कौन सब काम सुने थे संतोष कुशवाहा ने कराया? संतोष कुशवाहा कराया था कब, जबकि वो बाढ़ आया था तभी हम सुने थे। बाढ़ कब आया था आप लोग क्या याद होगा? अरे बाढ़ तो 2008 में सांसद भी नहीं बने, तब ये का बात हम इतना सुने, ए बीच में कुछ नहीं। उस समय तो सांसद भी नहीं बने थे। नहीं बनना था लेकिन उसी का नाम चर्चा चल रहा था। उस समय सुने होंगे आप? हाँ बनना था, झूठा क्यों बोले? इसीलिए आगे पीछे कर रहा था। इस बार संतोष कुशवाहा जी चलेंगे? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं। तो क्या किए, उनका टिकट काट लिया जाए? आप काट लीजिए, जो करना है सब बनेगा। आप लोग अगर बोलिएगा कि वोट देंगे तब ना उनको टिकट मिलेगा। वोट तो नहीं देंगे हम लोग। वोट नहीं दीजिएगा? नहीं। क्या आप बताइए क्या बोलेंगे, और सब तो बोल ही दिया। अरे आप भी अपनी बात रखिए, कोई वोट जिसको इच्छा है उसको। अगर बीजेपी का यहाँ से उम्मीदवार होता है, संतोष कुशवाहा जी नहीं होते हैं, तो वोट देंगे आप लोग? हाँ। संतोष कुशवाहा जी आ जाएंगे तो? तो वो हम अंदर में जाके देंगे ना, कोई देखे ही दे। इरादा है अच्छा, इरादा है ना अच्छा, अच्छा उम्मीदवार है ना वो? इतना दिल का बात ना, अभी सब कोई तो एक ही बात बोल रहा है कि जो है नहीं, सही नहीं बात चलेगा। ना कैंडिडेट बदलना चाहिए। हाँ बदलना चाहिए। हाँ एक बार बदल के तो देखे,
बदलना चाहिए नहीं इस, जब आप कह रहे हैं कि बदलना चाहिए इसका मतलब साफ हो गया आप वोट नहीं दीजिएगा। वो अपना बात है, हम काहे बोलेंगे, सीक्रेट है। अरे सीक्रेट क्या है, ये तो सारा कुछ समझ में आ ही रहा है। नहीं नहीं, ये चैनल है ना तो सब कोई देख रहा है। इतना तो बोलिए कि 10 साल काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हमको उतना जानकारी नहीं है क्योंकि हम नहीं ना, ना, ना। अरे सब तो आप ही के साथ लग रहा है यहाँ। साथ नहीं है, देखिए तो ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उसके पीछे वो लोग दोहरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। उन लोग भी अनुभव है। क्या आप लोग बताइए, एक बार बीजेपी को देना चाहिए सीट यहाँ से। बीजेपी को सीट चाहिए? हाँ, हम लोग एकदम भाजपा। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी को अगर सीट दिया जाता है, बीजेपी सीट ले लेती है और यहाँ के उम्मीदवार कोई और बीजेपी से होते हैं तो जीत हो जाएगी पक्की? 100% देखिए उस बार भी बीजेपी को लेके ही एनडीए की सरकार जीती है, संतोष कुशवाहा जी बीजेपी की सरकार लेके ही जीती है और हम लोग बहुत उम्मीद से उनको जिताए थे लेकिन वो उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। अच्छा। ना तो एयरपोर्ट है यहाँ, अभी तक शुरू नहीं हो पाया, ना तो यहाँ ट्रेन है कोई भी कि ऐसा मतलब जाने के लिए, एक दो ट्रेन है बस, तो हम लोग सीमांचल से ट्रेन भी चाहते हैं। आप लोग उनको कहने भी गए तो भी आप लोगों की बातें नहीं हुई? नहीं, आश्वासन ही सिर्फ मिलता है, तो काम नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हो रहा। ये 10 वर्षों में आप लोग निराश ही रहे? हाँ, हम लोग बिल्कुल निराश रहे। क्या आप बताइए, संतोष कुशवाहा जी का हाल ठीक है कि नहीं? अच्छा काम नहीं किए वो, हम लोग देखे भी नहीं कि वो कैसे हैं। देखे भी नहीं, आज तक नहीं, दर्शन भी नहीं दिया? नहीं नहीं। अच्छा चलिए, तो संतोष कुशवाहा जी की बात हुई, खैर ये वो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेंगे। थोड़ा नीतीश कुमार के बारे में बताइए। क्या बताना है नीतीश कुमार के बारे में, कैसे लोग हैं? नीतीश कुमार कैसे है ये तो पूरे बिहार की जनता जानती है। आप लोग किसी समय उनको कह रहे थे कि बेशर्म है महिलाओं के बारे में कुछ से कुछ बयान। सबसे पहली बात है, कोई भी राजनीतिक दल हो, पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, अगर आप एक माननीय पद पे बैठे हैं और आप किसी भी महिला की गरिमा का, किसी का सम्मान का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो कोई भी महिला, कोई भी नारी निश्चित रूप से आपको बहिष्कार करेगी और आपके ऊपर जो भी है, आपको पिछले आप देख लीजिए टर्म में जो भी नीतीश कुमार का जो था बात करने का तरीका महिलाओं के प्रति, उससे सभी महिलाएं आक्रोशित थी। और मैं किसी राजनीतिक पार्टी के एक होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ, महिलाओं का जो सम्मान नहीं करेगा हम लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन अब आपकी पार्टी में आ गए हैं, वो आपके गठबंधन में आ गए हैं, अब तो कुछ तारीफ कर दीजिए। नहीं देखिए, गठबंधन में आ गए ठीक है, वो गठबंधन में आ गए, उनका क्या स्वार्थ है नहीं है वो मुझे नहीं पता, वो सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व जानती है, प्रदेश नेतृत्व जानती है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यही कहूंगी कि महिलाओं का सम्मान करना सीखे। तो लेकिन ये बात बताइए, जब महिलाएं इतनी नाराज हैं नीतीश कुमार से, तो फिर आपके पार्टी के जो वरीय लोग हैं वो इन बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं, राज्य की जनता नाराज है, फिर भी उनको पार्टी में समेट के मेहमान बना के ला रहे हैं? देखिए ये कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ हुआ है, गठबंधन में से जोड़ा गया है, अगर नीतीश जी हमारे भाजपा में शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हित की बात हुई होगी जिसके कारण ये चीज़ हुआ। तो आपको लगता है कि नीतीश जी के आने से बीजेपी को लाभ होने जा रहा है? अब ये तो समय तय करेगा कि नीतीश जी के आने से बीजेपी को क्या रुझान तो आप ही लोग देंगे ना, रुझान तो आप ही लोग, महिलाएं कहा जा रहा है कि महिलाओं को आधी आबादी है महिलाओं की, बिल्कुल उससे तो आधा तो रुझान तो आ ही जाता है। तो देखते हैं, अभी समय है, चुनाव का आने वाला है, अब तो घोषणा हो गया है, हो चुकी है, 100 दिन बाकी है अभी चुनाव में, और देखते हैं जनता जनार्दन खुद तय करेगी। कॉन्फिडेंस आप में है ना कि नीतीश कुमार के आने से मजबूत होगा बीजेपी? अब ये क्या पता कि भाजपा ही मजबूत हो जाए, ज्यादा भाजपा मजबूत है और भाजपा जिसके साथ खड़ी रहेगी वो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। तो यानी कि नीतीश कुमार मजबूत हो जाएंगे? मैं तो बोल रही हूँ भाजपा जिसके ये आप लोग यानी कि बीजेपी वाला क्या ठिक्का ले लिया है कि नीतीश कुमार को मजबूत करना ही करना है? बीजेपी वाला ठिक्का नहीं लिया है, बीजेपी नहीं गए हैं जदयू के पास, जदयू खुद बीजेपी के पास आई है, ये भी मैं आपको बता दूं। अरे ठीक है, तो कोई तो बीजेपी देखिए बीजेपी देखिए बीजेपी ऐसी जिनसे इतनी नाराजगी हो उसके मतलब अगर कोई गुड़गोबर आदमी आपके पास आ जाए तो उनको घर में जगह दे देंगे? बीजेपी ऐसी पार्टी है, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में ही अगर एक व्यक्ति का अगर गलत साबित हो जाता है तो अगर भटक जाता है तो उसको फिर अपने पास लाके उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ कहा जाता है कि जो भी आते हैं अगर किसी से गलती हुई, अगर वो घर वापसी करना चाहते हैं तो भाजपा उनको अपने साथ पास। ये नीतीश कुमार क्या मतलब भटकने वाले व्यक्ति लग रहे हैं आपको? कुछ समय से तो भटके हुए ही थे।
समय हुए थे, भटके ही हुए ही थे ना, अगर दूसरे दल में थे, अगर उनको लग रहा है कि कुछ काम करने की सहूलियत नहीं मिल रही है, ये भटक के कभी महागठबंधन में, भटक के कभी एनडीए में, ये भटका भटकी कब तक चलेगा? ये तो नीतीश कुमार जाने, ये हम आप तो नहीं बता सकते, ये तो उन्हीं को मालूम है कि देखिए कम से कम आपको कम से कम इतना पता है कि नीतीश जी भटक जाते हैं, इतना तो पता है ना आपको कि रह रह के वो भटक जाते हैं, तो फिर भटका हुआ आदमी को मेहमान की तरह। मैं पहले भी बोली हूँ कि आपको नीतीश जी खुद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और क्या उनके बीच में बातें हुई ये मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन इतना तो बता सकते हैं ना कि नीतीश कुमार के आने से जो बीजेपी के महिलाएं हैं उनमें खुशी है या नाराजगी है, क्या है ये? देखिए बीजेपी की महिलाएं नाराजगी है या खुशी है ये बात पे तय नहीं करते हैं कि क्या नाराजगी है क्या खुशी है, मैं तो यही कहूंगी कि भाजपा जो की है अगर नहीं, आप तो पूरी तरह से नाराज हैं, चेहरा साफ साफ बता रहा है। सुनिए मेरी बात, भाजपा अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व उनको साथ में लाई है तो कुछ सोच के लाई होंगी, अगर बिहार के हित में अगर उनको लाया गया है कि नहीं इससे हमारा बिहार का हित हो सकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित बिहार हित की। लेकिन वही ना, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि मोदी जी गारंटी ले नीतीश कुमार का कि पलटी नहीं मारेंगे, अब तेजस्वी जी क्या कहते हैं ये तो तेजस्वी जी जाने। गारंटी ले लीजिए आप लोग थोड़ा। हम लोग कैसे गारंटी ले सकते हैं किसी का भी, चाहे वो तेजस्वी जी हो या फिर नीतीश जी हो या फिर कोई और हो। आपके पार्टी में आए हैं, नीतीश जी ने बयान दिया कि अब सही जगह पे आ गए हैं, अब पलटा पलटी नहीं होगा। अब ये तो नीतीश जी बोले हैं तो देखते हैं, समय आने दीजिए, भरोसा है ना आपको? समय आने दीजिए ना, देखते हैं नीतीश जी क्या करते हैं। भरोसा नहीं है ये तो नीतीश जी के ऊपर। चलिए चलिए बात छोड़ दीजिए, थोड़ा मोदी जी के बारे में बताइए। मोदी जी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, क्या पूरी देश जानती है कि मोदी जी क्या है, उनके बारे में कहना तो कुछ भी कम पड़ेगा। क्या कुछ बुराई करिए तो कुछ बता भी दीजिए, खाली सिर्फ ये कहना कि सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे जो भी गरीब थे जो भी युवा है सबको रोजगार, महिलाएं खास करके महिलाओं को इतनी हमारे इतनी भी योजनाएं आई है मोदी जी की कि महिलाओं को आज घर बैठ के ही सब कुछ मिल रहा है, जिसको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, और जितने भी देखिए अभी सबको बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, आयुष्मान योजना जिसके तहत अभी आपको 5 लाख का बीमा भी हो रहा है, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, बहुत सारी। देखिए 10 वर्षों में आपने दो चीज़ें गिनाई है, एक महिलाओं के बारे में बताया कि योजना उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, दोनों का हाल क्या है पता है कि नहीं? नहीं, बहुत योजना अभी आपको हाल में ही अभी मैं बता रही हूँ। 10 साल का 10 ठो भी तो गिना दीजिए। देखिए बहुत 127 योजना है और 127 योजना को गिनाया उंगली पर नहीं जा सकता है। देखिए आपको 5 ठो गिना दीजिए। सुनिए, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, आपको अभी मातृवंदना योजना है, और उसके बाद अभी हाल में ही अभी हम लोगों को जो कर रहे हैं 2 दिन पहले की योजना एक आई है, उसके बहुत सारे 127 योजना है, सभी योजना 3 ठो हुआ और तीनों का काम भी बता दीजिए। काम है, बिल्कुल काम है। मातृवंदना योजना अभी महिलाओं को दिया जा रहा है, रोजगार के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि कम रोजगार के लिए भी पैसे महिलाओं को दिया जा रहा है कि 3 लाख रुपए आपको ये रोजगार, आप घर बैठे ये रोजगार शुरू कीजिए। आप बीजेपी की एक अच्छी नेत्री हैं, अच्छा से काम कर रही हैं, और आपके सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी योजनाओं को तो आपको ऐसे ही रट के बता देना चाहिए था, ये योजना हम लोग योजनाओं पे आपको ढूंढना पड़ रहा है। हम गिना देते हैं, हम गिनाते हैं आपको, नहीं आप हम देखिए हम गिनाते हैं आप काट नहीं पाएंगे, हम लोग हम गिनाते हैं, सुन लीजिए, हम गिनाते हैं आप काट नहीं पाएंगे, हम गिनाए बोलिए सकते हैं। देखिए मोदी जी का विकास देखिए, 370 हटाया वो योजना नहीं है, 370 योजना नहीं है, मंदिर बनाया वो योजना नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, वो योजना में नहीं आता है, ये इसमें वोट नहीं मिलेगा, आप वोट मिलेगा लेकिन आप योजना की बात कर रहे हैं, 370 धारा ये हम भी बता रहे हैं आपको, 370 राम मंदिर ये भी बता रहे हैं, लेकिन आप ये समुद्र में जाके पूजा करना, बिल्कुल समुद्र में पूजा, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आध्यात्मिक है हमारे मोदी जी, और वो समुद्र के अंदर जाके पूजा कर रहे हैं। विकास में आता है ना, विकास में आपको जो योजना है उस योजना की बात कीजिए ना, ये योजना की बात तो नहीं है ना। अगर हमारे लिए अगर इतना मंदिर बड़ा मंदिर बन गया आप उसको विकास में नहीं जोड़ रहे हैं, आप मंदिर का मामला जो कह रहे हैं कि ये हमारा उतना साल से अटका हुआ था और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतना बड़ा मंदिर बन गया आपको विकास नहीं लग रहा है? ये तो सारे हिंदू के लिए गर्व की बात है, विकास की बात, अरे पूरा देश इसके लिए खुश है, मंदिर बनने से विकास हुआ ना, पूरा देश खुश है, विकास की बात नहीं है, विकास नहीं है, विकास की बात विकास तब कीजिए जब हमारा भारत आज हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है 2024 का चुनाव में। आज विकास की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था में अभी भारत पता है कितना नंबर है? अर्थव्यवस्था 5वां नंबर है, ठीक है 5वां नंबर है, प्रति व्यक्ति आय में 2024 में प्रति व्यक्ति आय में पता है कितना है? 139वां स्थान है, यानी कि पूरी दुनिया के 193 देशों में से 138 देश का नागरिक इस देश से
ज़्यादा कमाता है, 139वां स्थान पे है, यानी कि जरा सोचिए 193 देश है पूरी दुनिया में, 138 देश का नागरिक हम लोगों के देश के लोगों से ज़्यादा कमाता है और हमारा ये हाल है। हाल ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये आंकड़े आप लोग गिन रहे हैं, ये जो वहाँ से आंकड़ा आ रहा है, रिकॉर्ड ये हम गिन रहे नहीं, नहीं आपकी सरकार ने ये अवेलेबल कराया है, ये तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। नहीं, ये अवेलेबल कराया है, क्या अवेलेबल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर मोदी जी की योजना पे लोग खुश नहीं रहते और उनके काम पर नहीं खुश है तो आज जनता, हर एक जनता के मुंह पर मोदी जी का नाम नहीं होता। देखिए इसीलिए हम आपको कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी का नाम क्यों जुबान पर है, विकास को लेकर के है कि धर्म को लेकर के है कि जाति को लेकर के है, ये आपको साफ करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए विकास के नाम पर वो अलग योजना है, जाति के नाम पर तो आप देखिए ऐसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम तो कहीं नहीं है, धारा 370 हटाया वो मुस्लिम हित में था। आज मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हमारा ये संकल्प है, मुसलमानों के एक हाथ में कुरान रहेगा और एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा, किया क्या? ऐसा देखिए ये पता नहीं आप लोग का क्या है नहीं है, नहीं कहाँ से सुनते हैं क्या सुनते हैं हमको नहीं मालूम है। नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो आप बीजेपी में क्या करते हैं सुबह? नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात है हम तो मोदी जी की जो योजनाएं हैं जो लाभ ले रहे हैं, ये तो फिर देखिए हमको ये बात बताइए, किसी को मानने से पहले उसको जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। आपने मोदी को कितना जाना? जाना है मैंने इतने सालों से, तो मैं मोदी जी के लिए काम कर रही हूँ, मैं मोदी जी के लिए सब कुछ। लेकिन आप लोगों के बारे में सबसे बड़ी बात है, क्या क्या कहा मोदी जी ने, क्या क्या कहा, प्रत्येक दिन मोदी जी बहुत सारी बातें कहते हैं, हर एक सेकंड में उनकी बातें निकलती है, तो आप हर एक सेकंड में उनकी बातें बदलती भी रहती है? नहीं बदलती नहीं है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। बिल्कुल, क्या मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं? हाँ थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत होता है। चाची मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं? हाँ करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं ना, थोड़ा सा बताइए क्या सब करके दिखाया अभी तक? कुछ कुछ चाची आप लोग बताइए, अरे कुछ आप कुछ आप भी बताइए। हाँ बहुत से जैसे बेरोजगारों को काम दिए हैं, गरीबी हटाए हैं, सड़क बनवाए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें सुविधाएं लाए हैं, घर बैठ के आदमी लेडीज काम कर रही है, बहुत से पैसे से। यानी कि मोदी जी से पहले सड़क नहीं बनता था? बनता था लेकिन इतने अच्छे से नहीं बनता था, अभी बहुत बेहतर, अभी अच्छा से बनता है। चलिए मोदी जी से पहले सड़क अच्छा, आप बताइए मोदी जी के बारे में कुछ तारीफ करिए। मोदी जी जैसे गरीब को पक्का मकान दिए हैं, जो गरीब है जो सोच भी नहीं सकता था कि मतलब पक्के के मकान में रहेंगे, उनको मकान मिला है सस्ते पे, घर के लिए पैसा मिला है। इंदिरा आवास योजना के तहत पहले भी घर बनता था पता है कि नहीं? नहीं, ये एक मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों को घर मिला है। मिला है? हाँ। ये आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ, गैस की सुविधा उज्ज्वला योजना के तहत सब गरीब को जो कि धुआं में खाना बनाती थी उनको गैस का चूल्हा मिला, सिलेंडर मिला। यानी कि अब धुआं पर कोई खाना नहीं बनाता है? नहीं, अब बहुत गांव घूम के देखिए, गांव में भी अब देखते हैं गैस चूल्हा ही जलता है, अब लकड़ी पर कोई खाना बनाना चाहते तो वो मोदी जी का दिया हुआ से बनता है या लोग खरीद के लाते हैं? चूल्हा तो मोदी जी दिए हैं लेकिन खरीदना तो अपने पड़ता है ना, खरीदना अपने पड़ता है। चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और सबसे बड़ी बात आप लोगों में जो गुस्सा है कि यहाँ का जो उम्मीदवार है वो चेंज होना चाहिए, मुझे लगता है कि आप लोगों की बातों पर जरूर जो वरीय नेता हैं, जो आप लोगों के गठबंधन के मजबूत नेता हैं, वो लोग गौर करेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोगों का जो डिमांड है कि पूर्णिया एयरपोर्ट बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा भी आप देख रहे हैं, माहौल काफी गर्म है पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर। देखिए अब तो आप लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, इसीलिए उस समय तो नीतीश कुमार को कह रहे थे, अब तो नीतीश जी मोदी जी सब एक ही जगह है, तो एयरपोर्ट नहीं बनेगा। सुनिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी को दोषारोपण कर रही हूँ, लेकिन चाहे केंद्रीय हो या फिर बिहार सरकार हो, दोनों के परस्पर सहयोग से पूर्णिया का विकास में थोड़ा एयरपोर्ट का होना चाहिए। यानी कि दोनों मिलकर इस क्षेत्र का उपेक्षा किया है ताकि पूर्णिया का डेवलपमेंट हो? दोनों यानी उपेक्षा नहीं किया है, मैं आप इस चीज को नहीं कह सकते कि उपेक्षा की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं मांग कर रही हूँ। अगर नहीं हुआ है आज तक तो मैं उस चीज की तो मांग कर रही हूँ कि हाँ ये चीज जब उस टाइम मांग करने पर भी जब नहीं मिले तो उपेक्षा नहीं हुआ। अभी आ रहा है ना आगामी चुनाव, धरना प्रदर्शन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, ये उपेक्षा नहीं है। अगर हमारा भाजपा का उम्मीदवार आता है तो ये भी मांग पूरी होगी। चलिए ठीक है, उम्मीद है। ये देख रहे हैं कि महिलाओं की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, खासतौर से इन लोगों ने कहा कि यहाँ का जो सीट है लोकसभा का वो पूर्णिया से बीजेपी को मिलना चाहिए और जो उम्मीदवार है वो चेंज होना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ महिलाओं ने तो साफ तौर पे कहा कि मुझे संतोष कुशवाहा जी कहीं से पसंद नहीं है। और ये वो महिलाएं हैं जो एयरपोर्ट को लेकर कभी आंदोलन करती थीं, अब नीतीश कुमार जी साथ में आ गए हैं तो कई तरह के सवाल हैं जिस पर जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन इन लोगों का एक रिक्वेस्ट है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए एयरपोर्ट तो मिलना ही चाहिए, बाकी और भी कई डिमांड है जो कि मिलना चाहिए। और दुर्भाग्य ये है कि इन लोगों को मजबूत एक सांसद नहीं मिला जिसके कारण मजबूती के साथ आवाज़ नहीं उठाई गई, और यही मूल वजह है। इन लोगों का कहना है कि वैसे उम्मीदवार को इस मर्तबा कम से कम टिकट न दिया जाए। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गुंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने सेंट्रल बैंक की गली में मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। अतुल मोटर्स लाया है 52,000 का भारी डिस्काउंट के साथ 2,000 का अतिरिक्त ऑफर भी, वो भी मिनिमम डाउन पेमेंट पर। यहां आपको मिलेगी अतुल मोटर की CNGC वाली थ्री व्हीलर, ऑटो एवं ई रिक्शा, जैसे अतुल शक्ति, BS6 कार्गो लोडर, BS4 अतुल जेमी कार्गो, ई रिक्शा इलाइट प्लस आयरन बॉडी, इलाइट प्लस स्टील बॉडी के साथ, लेबर कोस्ट बिल्कुल फ्री। CNG थ्री व्हीलर में रिक प्लस, जेम इक्वा जैसी सुविधाओं के साथ, तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है MS इंडिया अतुल मोटर्स, नियर फ्रेल चौक, NH31 बाईपास रोड, मरंगा, पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 8102921960, सेकेंड नंबर 7207280821960।